जिला चंबा में पिछले 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षण संस्थान राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल ने आज एक और मुकाम हासिल कर लिया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा चंबा शहर के साथ लगती उदयपुर पंचायत में आज CBSE से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का शुभारंभ किया है। इस पाठशाला का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक चंबा सदर नीरज नैयर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्कूल प्रबंधन के सदस्य व अभिभावक और छात्र मौजूद रहे। मुख्य अतिथि द्वारा पूजन करने के बाद रिबन काटकर स्कूल का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उन्होंने पूरे विद्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने अपने भाषण में स्कूल की उन्नति और तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी और स्वर्गीय श्री मदनलाल सूरी जी द्वारा जगाई गई शिक्षा की लौ को जागृत रखने के लिए संजीव सूरी जी को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने स्कूल में चलाई जा रही अनेक गतिविधियों का प्रदर्शन किया, जिसमें रोलर स्केट्स, थागिता, योगा आदि का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय की उपलब्धियों को बताते हुए संजीव सूरी जी ने अनन्या सूरी और दिया बिजलवान का जिक्र भी किया। इन दो बच्चों ने लगातार 2 वर्षों में अपनी लगन और मेहनत से नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और आज ये दोनों बच्चियां इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं। इसी बीच वहां उपस्थित अनन्या सूरी मंच पर आई और मुख्य अतिथि बच्चों व अभिभावकों के सामने अपना अनुभव साझा किया। स्कूल के चेयरमैन शशनजीत सूरी जी ने मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। होली के शुभ अवसर पर बच्चों ने मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों को गुलाल लगाकर वहां के वातावरण को रंगारंग व उल्लासपूर्ण बना दिया। राइजिंग स्टार एजुकेशन की फील्ड में 18 वर्ष से ज्यादा समय जो है बिता चुका है और हमने इसका बीज जो है वो बोया था 2005 में केवल 11 बच्चों के साथ। चंबा में अपने गृह क्षेत्र में अपने घर में मैंने स्कूल खोल के शुरू किया था और आज परिवार बढ़ता हुआ, उन बच्चों का परिवार बढ़ता हुआ करीब 800 के करीब बच्चे जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है राइजिंग स्टार में पढ़ रहे हैं। आज उन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ना केवल मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि हमारे साथ है, बल्कि चंबा के महानुभाव, चंबा के वो लोग जिन्होंने पग पग पे मेरा साथ दिया है, जिन्होंने राइजिंग स्टार के सुख दुख में और राइजिंग स्टार के प्लस माइनस में हमारे साथ खड़े थे। मैं सभी अतिथियों के नाम नहीं ले सकता, लेकिन जितना भी परिवार आज इस प्रांगण में आया है, मैं हृदय की गहराइयों से आपका दो हाथ जोड़ के यहाँ पे स्वागत करता हूँ, आपका नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको यहाँ पे पहुँचा के, आपको राइजिंग स्टार का प्रांगण में आपके कदम डालने का मैंने बहुत बार प्रयास किया था और आज सफल हुआ। आप आगे आने वाले समय में मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, जो बात मैंने आज से 7 साल पहले अनाउंस की थी कि चंबा में एजुकेशन का जो भी डिमांड होगी वो हमने अपलिफ्ट करनी है। आलीशान भवन के समारोह में मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर मुझे ये अवसर दिया है। मेरे आने पर आप सब ने बड़े प्यार स्नेह सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा भवन आपने बनाया है और जिस उद्देश्य से और आज के इस पवित्र दिन के अवसर पर स्वर्गीय श्री मदनलाल सूरी जी, आपके पिताश्री और हमारे बहुत अजीज, जब मुझे याद है वर्ष 1980 में मैंने वकालत जब जिला चंबा में शुरू की और वो हमारे संपर्क में आए, हम उनके संपर्क में आए और काफ़ी अच्छा हमारा संबंध, राबता आपस में रहा, रिलेशनशिप आपस में रहा।
एक सोच शिक्षा के क्षेत्र में लेकर वो चले थे और घर से ही वो शुरुआत हुई थी। उस सोच को संजीव जी आपने आगे बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है, जहाँ केरला लक्षद्वीप तो छोटा सा है जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, मिजोरम गोवा भी छोटा है, मिजोरम भी छोटा है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में शिक्षा के स्तर के ऊपर आज पहुंचा है। उसमें समय समय पर हमारे जो मुख्यमंत्री हुए हैं, विशेष रूप से डॉक्टर वाई एस परमार जी, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है।